हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एग्जांपल नंबर 12.2। आइए स्टेटमेंट रीड करते हैं। इन अ गीगर मास्टन एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ अ 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम्स मोमेंटरीली टू रेस्ट एंड रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, ये गीगर मास्टन एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमने अल्फा स्कैटरिंग के बारे में पढ़ा और इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता क्या है कि जब अल्फा पार्टिकल अप्रोच करता है न्यूक्लियस को तो कहीं जाकर वो रुकता है थोड़ी देर के लिए और फिर रिवर्स करता है। तो जहां पर जाकर वो रुकता है उस वाले पोजीशन से न्यूक्लियस के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर अल्फा पार्टिकल की 7.7 MeV एनर्जी हो तो हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सिर्फ हमें क्या दिया जा रहा है? एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो आपको एनर्जी की टर्म्स या एनर्जी का फॉर्मूला यूज करके ही डी निकालना है। डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखिए, अल्फा पार्टिकल जब यहां से जा रहा था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है इनिशियली? 7.7 MeV। फिर ये इसको अप्रोच करता है और कहीं जाकर रुक जाता है। जब ये रुकेगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो। अल्फा पार्टिकल एक चार्ज पार्टिकल है जिसके पास चार्ज है 2e, और गोल्ड न्यूक्लियस है उसके पास चार्ज है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके पास है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? जितना एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या है गोल्ड का? 79। तो गोल्ड का चार्ज हो गया 79e। वन प्रोटॉन का चार्ज होता है e, तो 79 का होगा 79e। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेस या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो दो चार्जेस Q1 और Q2 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है इस सिस्टम की 1/4πε0 Q1 Q2 upon r। जैसा कि आप देख रहे हैं अल्फा पार्टिकल इसको अप्रोच कर रहा है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। इसका चार्ज हम Q1 मानेंगे, इसका चार्ज Q2 मानेंगे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। बट इस पोजीशन पर जाकर इसका डिस्टेंस सबसे कम हो जाता है, मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। इसके बाद इससे ज़्यादा कम तो नहीं होगा, और अगर डिस्टेंस मिनिमम हो गया है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम। आप समझ भी सकते हैं r किसके इक्वल हो जाएगा छोटा होते होते? d के इक्वल, और उससे ज़्यादा कम ये नहीं हो सकता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। और जब भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है उस वक्त वही टोटल एनर्जी होती है, ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? जो स्टार्टिंग में उसके पास थी। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ जाकर जीरो हो गई तो एनर्जी तो कंजर्व रहती है, एनर्जी अपना फॉर्म बदल लेती है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो थी अल्फा पार्टिकल की वो यहाँ जाकर पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। ये आपको समझ आना चाहिए, लगातार काइनेटिक कम होते जा रही है इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ते जा रही है। यहाँ जाकर काइनेटिक जीरो हो गई इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। अगर मैक्सिमम होगी तो कितनी होगी? इतनी होगी। ठीक है, इस चीज को आपको अच्छे से समझ लेना, बस यही लाइन हमने लिखनी है इसमें। तो डी हमने क्या माना? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एट पोजीशन पी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बिकम्स जीरो, सो काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्ट्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये बस लाइन आपको समझनी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है हमें? 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको आप SI सिस्टम में लिखेंगे। SI सिस्टम में लिखने के लिए मिलियन का मतलब मेगा होता है, मेगा का मतलब 10^6 होता है। EV एज इट इज है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल होता है। तो इसको हम लिख देंगे 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल।
तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा 7.7 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज़ यहाँ प्लेस कर दें। तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल ये हो गई है। पोटेंशियल एनर्जी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, 1/4πε0 Q1 है 2E और Q2 है 79E डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू है d। कौन सी वाली पोजीशन की बात कर रहे हैं हम, p पोजीशन पर। तो 1/4πε0 की वैल्यू होगी 9 × 10⁻⁹ इंटू 2। e मिनिमम चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁹ इसकी वैल्यू होती है, इंटू z है 79 और e की वैल्यू रखती, डिवाइडेड बाय d एज इट इज, ये एज इट इज, ठीक है। d को इधर ले गए और ये टर्म इधर ले आए, यहाँ लाने के बाद ये फैक्टर एज इट इज कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व किया, ये आ गया 2.95 × 10⁻¹⁴ जो कि मेरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, बट एनसीईआरटी बुक में आपको ये दिया हुआ है। तो इसको राउंड ऑफ कर दिया मैंने, 3 × 10⁻¹⁴ मीटर। अगर आप इसको फर्मी में लिखना चाहते हैं या फेमटो में लिखना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा और नीचे ले जा सकते हैं, 10⁻¹⁵ बनाना है तो इसके लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड किया वो तो बन गया 10⁻¹⁵, ये 10 से मल्टीप्लाई करा हुआ बच गया तो ये आ गया 30 × 10⁻¹⁵। तो 30 × 10⁻¹⁵ को हम लिख सकते हैं 30 फर्मी या फेमटो बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, 30 फर्मी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। आपको जरूरी नहीं है यूनिट लिखना, आप ये भी लिखकर छोड़ सकते हैं मीटर में, ठीक है। एक्चुअली गोल्ड के न्यूक्लियस का साइज ये नहीं था, और भी ज्यादा एनर्जी दे के अल्फा पार्टिकल को सेंड किया गया, देन इसका फाइंड आउट किया गया। एक्चुअली ये 6 फर्मी के अराउंड है, तो बट हमें इस डेटा के अकॉर्डिंग सॉल्व करके बनाना है, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल दिया 30 फर्मी। जैसा कि आप जानते हो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमें आइडिया देता है साइज ऑफ न्यूक्लियस का, तो इसका मतलब न्यूक्लियस इससे छोटा है, जो डी है उससे कम है न्यूक्लियस का साइज, रेडियस बोल सकते हैं आप, ठीक है। आई होप आपको इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन समझ आ गई है। सिर्फ आपको इस फॉर्मूले पे ध्यान देना है और इसको समझना भी है साथ में कि किस तरीके से ये फॉर्मूला लिखा जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, कैलकुलेशन पार्ट है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।